अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं 127 आपकी वीडियो बनाने के लिए एक बिल्कुल न्यू लोकेशन पे आया हुआ हूँ। ठीक है, ये लोकेशन जब से मैंने चैनल बनाया है तो पहले ऐसी कभी लोकेशन, यानी कि इस लोकेशन पर मैं पहले कभी भी नहीं आया। ठीक है, तो ये है जी सनामा स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे की लोकेशन, यानी 127 आपकी लाइट्स सामने विजिबल हैं। ये सनामा स्टेशन पर 127 आप जो है आई हुई है 7878 के साथ। तो मैं सनामा स्टेशन के आउटर सिग्नल से भी आगे एक फाटक आता है वहाँ पे, उसके साथ ठहरा हूँ। ठीक है, तकरीबन सनामा स्टेशन से 1.5 किलोमीटर आगे। तो इधर से भी वीडियो आज बनाने का मकसद ये आपको जो है वेरी वीक रेलवे ट्रैक दिखाना है। ठीक है, तो इधर आप सारे जो है रेलवे ट्रैक पर चेक करें, लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, सारा वीक ट्रैक है। और सनामा स्टेशन से जो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया कि सनामा स्टेशन से आगे जो है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का काशन लगा हुआ है, यानी और तो सेक्शनल स्पीड 80 है, तो इधर से 60-50 की स्पीड का काशन है। तो वो यही रेलवे ट्रैक है जहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का काशन लगा हुआ है। और ये आप खुद ट्रैक की हालत जो है नोट कर लें, ठीक है, आपको खुद लगेगा कि वाकई में काशन जो है इधर सही लगा हुआ है। ये देखें, सारे लकड़ी के फट्टे जा रहे हैं इधर। अभी तो जहाँ पर मैं लेवल क्रॉसिंग पर पहले वीडियो बनाता हूँ वहाँ भी ट्रैक अच्छा है, तो ये सारा जो है वीक ट्रैक है। तो इसी वजह से आज मैंने जो है ये वाली लोकेशन, न्यू लोकेशन, बिल्कुल न्यू लोकेशन अपने व्यूवर्स के लिए चूज़ की है। तो 127 अमीर एक्सप्रेस आज हम 7878 के साथ इसी जगह से देखेंगे। और जहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाता होता हूँ वो है किलोमीटर नंबर 55, ठीक है, और मैं अब ठहरा हूँ किलोमीटर नंबर 58 पे, यानी 3 किलोमीटर आगे है वो जहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाता हूँ लेवल क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर आगे। आज एक न्यू लोकेशन ढूंढी है, तो इधर से हम देखेंगे, बहुत ही स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड आएगी जब ट्रेन इधर से पास होगी। तो मेरे ख्याल में अब डिपार्चर हो गया 127 आपका सनामा से, तो देखते हैं फिर 7878 के साथ। डेट आज है 10 मई 2024, टाइम हो गया शाम के 5:51, 127 आपका राइट टाइम जो है डिपार्चर हो रहा है सनामा स्टेशन से आज। ये देखें, ये है किलोमीटर नंबर 55/58/1। 55 इसलिए कहा है क्योंकि डेली उधर जो है ना वीडियो बनाता हूँ तो जबान पे जो है वो बात अटकी हुई है बस। तो देखते हैं फिर 127 अप। ये गुरमानी स्टेशन से लेकर कोटादू के आधे हिस्से तक, जैसे गुरमानी स्टेशन से ऐसा ट्रैक जो है वो सारा शुरू होता है, इसी वजह से गुरमानी और सनामा के दरमियान जो है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का काशन लगा हुआ है इसी ट्रैक की वजह से। अब गुरमानी से यह काशन शुरू होता है और कोटादू और सनामा के आधे फासले पर ख़त्म हो जाता है, यानी ये ट्रेन अब जो है, अब ये किलोमीटर नंबर 55/8 है ना, 55/1 है, ठीक है, तो किलोमीटर नंबर 62/1 पर यह काशन जो है ख़त्म होगा। 4 किलोमीटर के एरिया में यही ट्रैक लगा हुआ है, सारा यही ट्रैक है। 4 किलोमीटर के बाद जब ट्रेन 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेगी तो उसके बाद फिर जो है 50 किलोमीटर स्पीड का काशन ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है ट्रेन की स्पीड सेक्शनल हो जाएगी, यानी 80, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं कोटादू गया था 129 पे, तो मैंने वो वीडियो जो स्पेशल बनाई थी तो स्पीड भी मैंने नोट की थी। मैंने देखा एक काशन ड्राइवर साहब को दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का, यानी सनामा स्टेशन से मिला है कि 62 किलोमीटर तक जो है काशन है 50 की स्पीड का, तो उन्होंने जो है ना 52 की स्पीड बनाई है। 4 नाच लगाए हैं इंजन के, 80-89 उस पावर थी, तो 4 नाच पे इंजन ने 52 की स्पीड पे की है। और जब तक किलोमीटर नंबर 62 नहीं है ड्राइवर ने नॉच जो है आगे नहीं किए, यानी बढ़ाए नहीं है, तो ये जो 4 किलोमीटर यानी 58 से 62 तक जो एरिया है ना, ये सारा वीक ट्रैक में आता है। अभी जहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर भी ट्रैक की हालत अच्छी है, लेकिन ये बेकार ट्रैक है बिल्कुल। तो इसी वजह से फिर इधर जो है काफ़ी अरसे से 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का काशन लगा हुआ है। तो ये टुकड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, इससे आगे जो है ट्रैक अपग्रेड हुआ पड़ा है, यानी दूसरी स्लीपर उसमें लगी हुई है। 127 आपका डिपार्चर भी अभी सुनाई दिया है, तो आप डिपार्चर हो गए अमीर एक्सप्रेस का सनामा से, राइट टाइम आज हुआ है डिपार्चर। तो ये जो सिग्नल आपको नज़र आ रही है ये हैं सनामा स्टेशन के डाउन साइड के सिग्नल, डाउन साइड के आउटर सिग्नल और होम सिग्नल। वैसे इधर से ट्रेन के नॉचेज जो है इंजन के वो सारे लगे हुए होंगे, यानी इंजन जो है धुआं छोड़ रहा होगा काफ़ी अच्छा। वैसे एक बात कहने की है कि इधर पत्थर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यही पत्थर जो है ट्रैक को मजबूती दे रहे हैं, वरना इस ट्रैक का हाल कोई नहीं है, ठीक है। पत्थर देखा जाए ना सारी रेंज में जो है पत्थर ज़बरदस्त पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो इसी वजह से जो है ना ट्रैक मजबूत है इधर। मियर एक्सप्रेस आप बिल्कुल करीब आ गई है, तो काफ़ी अरसे से जो है सनामा लेवल क्रॉसिंग से इसकी वीडियो बन रही थी, तो आज लोकेशन जो है चेंज है।
अब मैं ठहरा हूँ ड्राइवर साइड से, वीडियो बना रहा हूँ। 8078 8030, ये दो इंजन जो है मेरे नापसंदीदा लोकोमोटिव हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये दो इंजन। और ये बात की समझ की बात है कि परमानेंट लैंक पर चले हुए हैं ये हर दूसरे दिन। अब आज 80-78 आ रहे हैं 127 के साथ, सुबह 128 डाउन के साथ 80-30 आएगा, यानी कल 127 के साथ 80-30। अभी तक तो 127 अब स्लो स्लो आ रही है, असल में काशन जो है ना इस वजह से। तो ये तकरीबन 12 से 13 मिनट्स के बाद कोटद्दू पहुंच जाएगी, यानी रनिंग टाइम 13 मिनट्स है सनावा से कोटद्दू तक। तो काशन की वजह से 2-4 मिनट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। नाच मेरे ख्याल में फुल लगे हुए हैं इंजन के। ट्रेन आ रही थी उस वक्त आंधी नहीं थी, अब आंधी भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की।